नमस्ते जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीखी तीखी मिर्च लगी हुई हैं, इनको मैं तोड़ के अब आपको दो रेसिपीज के बना के दिखाऊंगी। और आपसे तीखी तीखी रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ये मिर्चों को मैंने काट लिया है और काटने के बाद मैंने हाथ पे थोड़ा सरसों का तेल लगा लिया, क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इससे जलन ठीक हो जाती है। और इन मिर्चों को मैंने जैसे बारीक बारीक काट लिया है, तो दो हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूँगी। एक को तो मैं छोंक के तैयार करूँगी। और ये देखिए, नींबू भी मैंने अपने गमले में से ही निकाले हैं, लगे हुए थे, तो एक तो पीला हो है, दूसरा थोड़ा सा हरा, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। एक में मैं जो डालूँगी कांच के बर्तन में ये मिर्च डालूँगी आधी, इसमें अदरक का टुकड़ा काट लिया है और नमक स्वादानुसार डाल के और इसके ऊपर नींबू निचोड़ देंगे और ये एक घंटे में ही तैयार हो जाती है। अदरक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे सिरके की प्याज डालते हैं वैसा हो जाएगा और हमारी ये एक तरफ ये तैयार हो जाएंगी खाने के टाइम तक। और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं छोंक वाली। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। अब तेल गर्म होते ही इसके अंदर हम मिर्ची डाल देंगे और ज़्यादा मसाले की जरूरत नहीं होती, सबसे मेन होता है सौंफ और नमक। इसके अंदर मैंने लिया है हल्दी, नमक, सौंफ और सूखा धनिया पिसा हुआ बहुत बड़ा सा। अब इसको हमने डाल दिया है। अगर आपके जैसे मेरे पास तो नींबू है तो मैं नींबू डालूँगी, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो थोड़ी सी खटाई या अमचूर जैसे बोलते हैं उसको डाल दो। उसके बाद इसको अब चलाएंगे, चलाने के लिए के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती होती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती हैं। तो हमारी मिर्च तैयार हो गई है, आइए आप भी खाइए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है एकदम से। अगर आपको रोटी की भूख नहीं भी होगी ना खाने की, तो भी आपका मन करेगा कि हम खा लेते हैं। और ये जो नींबू वाली, ये तो और भी अच्छी लगी। तो चलिए खाते हैं।